नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंपली प्रोबायोटिक को, जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ही न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज के बारे में बात करेंगे, जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। ये है सिंपली प्रोबायोटिक का, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। इसमें कोई भी फ्लेवर्स ऐड नहीं है, कोई भी शुगर या स्वीटनर का यूज नहीं किया गया है। इसको, इस प्रोडक्ट को कोई भी रेफ्रिजरेशन की नीड नहीं है। फूड लाइसेंस का यहाँ पे लाइसेंस नंबर आपको देखने को मिल जा रहा है। ग्रीन सिंबल आपको देखने को मिल जा रहा है। यदि आप वेजिटेरियन पर्सन हो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें 30 सैचेट्स अवेलेबल है, पर सैचेट जो है वो 1 ग्राम का है। यदि आप 1 सैचेट लेते हो तो इससे आपको क्या क्या न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। एनर्जी की यदि हम लोग बात करें तो आपको 3.2 किलो कैलोरी मिल रही है, जो डेली के रिक्वायरमेंट की आपके 0.12% जो है कवर कर रही है। प्रोटीन जो है इससे आपको नहीं मिल रहा है। कार्ब्स जो है इससे आपको नहीं मिल रहा है, ना के बराबर है, 0.8 ग्राम मिल रहा है। शुगर नहीं मिल रहा है, फैट नहीं मिल रहा है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, सिंपली प्रोबायोटिक से हमें 1 करोड़ गुड बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी को मिलते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। सिंपली प्रोबायोटिक किस तरह यूज में लिया जाता है, हमको हमारी बॉडी को इससे गुड बैक्टीरिया मिल रहे हैं। 1 करोड़ गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, जो आपके बॉडी में डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और आपके डाइजेशन सिस्टम यदि वीक है तो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, है ना। यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, इसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। 30 ग्राम्स का मैंने आपको बताया, 1 ग्राम के पर सैचेट है। 30 ग्राम का ये टोटल बॉक्स है, 30 पैकेट्स इसमें अवेलेबल है, तो टोटल 30 ग्राम हो गया, है ना। एमआरपी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपको यूज कैसे करना है, 1 ग्राम जो है, जो एक पैकेट है, आपको सिंपल जो है आप 350 ml जो है पानी, 350 ml जो है पानी है उसमें आप ऐड करके इसको ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको गर्म पानी में लेना है या फिर ठंडे पानी में, जैसे आपको लेना है, जैसे आपको सुटेबल लगता है आप उसको में ले सकते हो। आप ठंडे पानी में भी ले सकते हो, गर्म पानी में भी ले सकते हो। और जरूरी ये भी नहीं कि आपको पानी के साथ ही इसको लेना है, आप चाहो तो इसको जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के शेक के साथ ले सकते हो। जो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक बनाते हो उसमें आप इसको डालकर ले सकते हो। चाहो तो जो है आप टी जो पीते हो उसमें आप डाल के ले सकते हो। एफ्रेश में भी डाल के आप इसको ले सकते हो। एलो ड्रिंक जो आप बनाओगे, एलो का जो कंसेंट्रेट ड्रिंक आप बना के लोगे, उसमें भी आप डालकर ले सकते हो। तो आप अलग अलग फॉर्म के साथ इसको ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पानी के साथ ही लेना है या फिर कोई मिल्क के साथ ही लेना है। आपको जिस तरह से आपको सुटेबल लगता है आप उस तरह से इसको ऐड करके ले सकते हो। तो बढ़िया ये रहेगा कि आप मॉर्निंग में जब शेक बना के पियोगे तो उसी शेक में जो है ऐड करके ले लेना, है ना। तो सबसे बढ़िया आपके लिए यही रहेगा यूज करने के लिए। और यदि आपको और कोई टाइम लग रहा है तो आप उस टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। यदि आप मॉर्निंग में मिस कर गए तो अलग कोई टाइम पे भी ले सकते हैं। दिन भर में आपको एक ही पैकेट लेने की जरूरत है, अलग अलग फॉर्म में आप ले सकते हो। यदि आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का इश्यू है, ओकेजनली बोल डिस्टर्बेंस है, तो आप एक सर्विंग से ज्यादा सर्विंग भी ले सकते हो। मतलब दिन में 2 पैकेट भी ले सकते हो। यदि आपको ये इश्यूज हैं तो आप 2 पैकेट भी ले सकते हो, एडिशनल सर्विंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नहीं तो जो है दिन में एक सर्विंग जो है, एक पैकेट जो है इनफ है, है ना। हम लोग बात करें आगे चीजों की, तो ड्यूरेशन ऑफ यूजेस के बारे में हम लोग जान ही लिया। यहाँ पर स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये पैकेट फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। आपको जब इस पैकेट को ओपन करें, एक पैकेट को आपने कट कर लिया, तो उसको कंप्लीट यूज कर लें। ऐसा नहीं कि उसको आपने रखा हुआ है और रख के आप फिर उसको बाद में कभी यूज कर रहे हो। जहां पर भी आप इसको रखो वहां पे जो है वो ड्राई प्लेस होना चाहिए, मॉइस्चर को पकड़ता है। आपको पता है कि पाउडर वाले फॉर्म में कोई भी चीज यदि रहती है तो बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, खुला नहीं छोड़ना है। और आपको बच्चों से इसको बचा के रखना है, बच्चों को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमेन यदि हम हैं तो हम पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही में ही हम प्रोबायोटिक को जो है यूज करेंगे। यदि आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसको ये नहीं देना है, ठीक है। 5 साल से ऊपर है तो आप उसको दे सकते हो, 5 साल से यदि छोटा है तो उसको नहीं देना है। बात करें हम लोग तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिजीज को डायग्नोस करने में, ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। तो यदि आपको कोई इसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि आपको कोई डिजीज है और इसमें आपको हेल्पफुल रहेगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले ही हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस है, तो इसको पहले से आपको समझ के चलना है। 30 डेज मनी बैक गारंटी यदि मैं बात करूं तो आपको पहले से ही पता है कि यदि आप हर्बल न्यूट्रिशन के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर से यदि ये चीजें लेते हैं या फिर खुद के आईडी से आप ले रहे हैं तो ही आपका जो है 30 डेज मनी बैक गारंटी के अंडर आते हैं, नहीं तो आप इसके अंडर नहीं आएंगे यदि कोई अदर प्लेटफॉर्म से आप इसको परचेस कर रहे हैं तो। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया, इंस्ट्रक्शन फॉर यूजेस के बारे में जान लिया, एड्रेस वाला पोर्शन यहाँ पे बताई दिया मैंने आपको, ये नेट क्वांटिटी कितनी इसमें अवेलेबल है वो हमने देख लिया, एमआरपी देख लिया। अब साइड में चीजें बच गई हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है 1 करोड़ आपको गुड बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं। ये आर्टिफिशियल बैक्टीरिया है, ये BC30 आपको देखने को मिलता है जो आपकी बॉडी को इससे मिल रहा है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बैक्टीरियाज अवेलेबल होते हैं जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करते हैं। पर यदि हमारा डाइजेशन वीक हो रहा है, मतलब हमारे बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए और अपने बॉडी में एक अलग से सप्लीमेंट डालकर, उसको सपोर्ट में डालकर आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए यदि देख रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली प्रोबायोटिक जो है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, आपके पाउडर फॉर्म में आता है, आप नॉर्मल किसी भी वे में इसको ले सकते हो। आप ठंडे पानी में ले सकते हो, गर्म पानी में ले सकते हो, शेक के फॉर्म में ले सकते हो, चाय के इसमें ले सकते हो, एलो कंसेंट्रेट के फॉर्म में आप उसको ऐड करके ले सकते हो। तो फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। आपकी बॉडी को सिंपल से आपको ये पता होना चाहिए कि इससे आपके 1 करोड़ जो है गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी को मिलने वाले हैं, जो आपके डाइजेशन को हेल्पफुल प्रोवाइड करेंगे, आपको डाइजेशन को सपोर्ट करेंगे और आपका डाइजेशन जो है स्मूथली वर्क करेगा। और डाइजेशन यदि आपका वीक है तो वो भी बढ़िया से चलने लगेगा। पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है, कोई एक ही पैकेट लेने से सारी चीज़ काम नहीं होने वाला है, आपको इसको डेली लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक पैकेट आज ले लें और फिर एक पैकेट एक महीने बाद, फिर अगला 2 महीने बाद, आपको डेली इसको कंज्यूम करना है, तो ही आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको ये जो बॉक्स मिलता है, इसमें 24 मंथ की आपको देखने को मिल जाती है एक्सपायरी, उसके अंदर आपको उसको लेना होता है। और एक बार आप पैकेट को ओपन करें तो आप पूरा कंज्यूम कर जाएं इसको, ऐसा नहीं कि आप उसको सेव करके रखें, नहीं तो मॉइस्चर पकड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ थी सिंपली प्रोबायोटिक के रिगार्डिंग। इंस्ट्रक्शन यूजेस के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे यूज़ करना है, पानी कितना लेना है, 350 ml पानी लेना है। यदि पानी के साथ ले रहे हो, चाय के साथ ले सकते हो, शेक के साथ ले सकते हो और एलो ड्रिंक के साथ ले सकते हो। बच्चों 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, लैक्टिंग और प्रेग्नेंट वुमेन है तो फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद देना है। और ड्राई प्लेस में आपको रखना है। 30 डेज मनी बैक गारंटी के बारे में बता दिया, क्या चीज़ मिल रही है क्या चीज़ नहीं मिल रही है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस वीडियो में हमने कवर कर दी है। होप दोस्तों आप लोगों को इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सिंपली प्रोबायोटिक के रिगार्डिंग। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मराठी।